ड्रीम एंड वर्क देखिए एक मोटिवेशनल कोट है जो इन्होंने बताया है और इसी में बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है कि स्काई की तरफ देखिए हम अकेले नहीं हैं द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस एंड कॉन्सपायर्स ओनली टू गिव उन्हीं को ही यूनिवर्स या एक कुदरत जो है उन्हीं को बेस्ट प्रोवाइड करती है जो सबसे पहले तो ड्रीम करते हैं जैसे डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम ही ने कहा है कि ड्रीम कीजिए और एक बड़ा ड्रीम कीजिए छोटा ड्रीम करना भी एक अपने आप में एक क्राइम है और जो ड्रीम करता है और उसके लिए जो वर्क करता है हार्ड वर्क करता है स्मार्ट वर्क करता है उसी को ही ये जो यूनिवर्स है ये बेस्ट प्रोवाइड करके दे, देता है और इसीलिए हमें जो अपने गोल्स हैं वो सेट करके उनके खिलाफ उनके लिए हार्डवर्क करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए अच्छे से ताकि जो यूनिवर्स है या ये जो कुदरत है ये नेचर है ये भी हमारी हेल्प करे उस गोल को अचीव करने के लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हम डिस्कस करेंगे फोर पी एल ए सोल्जर्स डाइड इन गालवान चाइना ने अभी डिक्लेयर किया है नासाज प्रिजर्वरेंस रोवर जो है लैंड uh, किया है उसने मार्स के ऊपर वो देखेंगे इंडियन अमेरिकन uh, जो एक साइंटिस्ट uh, हैं जो कि बिहाइंड है नासाज रोवर्स मार्स लैंडिंग टू इंक्लूडिंग माइनर हेल्थ फॉर डेथ ऑफ़ गर्ल्स इन उनाउ जो हमने कल न्यूज डिस्कस की थी उसी के रिलेटेड एक और न्यूज़ है और uh, दिशा सेंट टू थ्री डेज जुडिशल कस्टडीज के बारे में डिस्कस करेंगे उसके बाद एडिटोरियल है डिफेमेशन के, के बारे में उसके बाद जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम जो हमारी कंट्री के अंदर सिक्सटीन जैन से स्टार्ट हुआ था लॉन्च किया गया था हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च uh, किया था वो अभी एक करोड़ वैक्सीन्स जो हैं एक करोड़ वैक्सीन्स जो हैं डोजेज़ वो डिस्ट्रीब्यूट uh, दे, दे दी गई हैं सन शाइन्स एट नाइट एट रिमोट विलेज इन नागालैंड नागालैंड के अंदर एक विलेज है उसके बारे में देखेंगे और कि किस तरह से वहाँ पे एक टीचर है जिन्होंने वहाँ पे एक गांव एक रिमोट जो एरिया है वहाँ पे म्यांमार के बाउंड्री के पास वहाँ पे किस तरह से उन्होंने मदद की सोशल मीडिया के यूज करके वहाँ पे और यूएस रेडी फॉर टॉक्स ऑन ईरान ईरान डील लिटिल शेफ्स न्यू एशियन रिकॉर्ड कुकिंग रिकॉर्ड एक लड़का है छोटा नौ साल का उसने अभी रिकॉर्ड सेट किया है किस तरह से एशियन कुकिंग रिकॉर्ड सेट किया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे दैन स्टेट ऑफ द डे में असम के बारे में देखेंगे उसके बाद नेशनल पार्क जो कि हम डेली डिस्कस करते हैं उसके बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड एडिटोरियल्स जो कि हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पेज के ऊपर जो न्यूज़ है फोर पी एल पीपल्स लिबरेशन आर्मी जो कि चाइना की है उनके जो फोर सोल्जर्स uh, थे वो भी शहीद हुए थे और चाइना ने ये अभी डिक्लेयर किया है और काफ़ी लेट इसे डिक्लेयर किया गया है uh, अप्रैल मई के अंदर जब ये क्लैश हुआ और स्टैंड ऑफ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में डिस्प्यूट्स था पेंगोंग सो जो लेक है वहां पे और चाइना ने पब्लिकली वहां पे डिस्क्लोज नहीं किया कि इनके जो कितने सोल्जर्स जो हैं वहां पे शहीद हुए हैं लेकिन हमारी कंट्री ने वहां पे बताया था कि अराउंड ट्वेंटी अराउंड ट्वेंटी सोल्जर्स जो थे वहां पे सॉरी ट्वेंटी सोल्जर्स वहां पे जो थे वो शहीद हुए थे हमारे और चाइना ने तभी ये डिक्लेयर नहीं किया था लेकिन अभी रिसेंटली एक फुटेज है वहाँ पे दिस स्टिल सॉरी दिस स्टिल चाइना टीवी फुटेज शोज इंडिया एंड चाइनीज ट्रूप्स इन गालवान वैली इन द जून लास्ट ईयर जो हुआ था इन्होंने अभी ये बताया है और इन्होंने बताया है कि ये हमने उनकी जो रिस्पेक्ट के लिए है ये अनाउंसमेंट की है और एक उनमें कमांडर भी थे और थ्री अदर्स जो सोल्जर्स थे उसमें ये यह आप यहाँ से पढ़ सकते हो ये यह ज़्यादा यहाँ पे ज़रूरी नहीं है उनके नाम जो है यहाँ पे बेसिकली आप पढ़ सकते हो लेकिन हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है जो टाइम है इसका वो याद रखना है और जो इसका भी वहाँ पे जो डिसंगेजमेंट होनी थी वो पूरी हो चुकी है पेंगोंग शो से कंप्लीट हो चुकी है आगे मैप भी हम देखेंगे सेटेलाइट एक मैप है और टेंथ राउंड ऑफ़ टॉक्स जो है कमांडर लेव कमांडर लेवल्स का टॉक्स जो रहता है वो अभी होगा आज सैटरडे वाले दिन आज ही होगा ट्वेंटी फेब को एंड uh, उसके बाद कॉप्स कमांडर लेवल का टॉक्स रहेगा ये आप मैप्स देख सकते हो कि इस तरह से पहले यहाँ पे जो भी टेक्नो जो भी चीज़ें यहाँ पे थी इंस्टॉल की हुई थी इंस्टॉलमेंट्स जो थे उन्हें अभी रिमूव कर लिया गया है सेटेलाइट इमेज है ये और ये आप देख सकते हो और मोल्डो के अंदर जो कि चाइना के अंदर है वहाँ पे अभी कोप्स कमांडर लेवल की जो है डिस्कशन होगी फर्स्ट पेज के ऊपर ही ये न्यूज था द शेडो ऑफ नाजाज प्रिजर्व रोवर इज सीन ऑन द सर्फेस ऑफ मार्स एज इट लैंड ऑन द प्लान प्लैनिट के ऊपर जब ये रोवर ने लैंड किया और ये इसके uh, एक यहाँ से इमेज uh, जो है ड्रोन के जरिए वहाँ पे शेडो uh, की जो इमेज है वहाँ पे क्लिक की गई और इसके पीछे यहाँ पे एक और न्यूज़ है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो नासा है जो फर्स्ट स्पेस एजेंसी बन गई है टू फ्लाई अ ड्रोन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ दूसरे किसी प्लानेट के एटमॉस्फेयर uh, के अंदर ड्रोन फ्लाई करने के लिए वहाँ पे जो नासा uh, जो एक स्पेस एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो कि यू की एक फेडरल एजेंसी है वो एक फर्स्ट फर्स्ट स्पेस एजेंसी वहाँ पे बन चुकी है और जो इसके जो साइंटिस्ट थे जो इसके कंट्रोलर थे वो uh, एक बहुत ही खुशी की बात है कि वो एक इंडियन अमेरिकन थे और किस तरह से यहाँ पे इन्होंने अपनी स्टडी की यूनिवर्सिटी बैचलर्स डिग्री इन्होंने ली यहाँ पे कॉर्नल यूनिवर्सिटी इन मैकेनिकल एंड एरोस्पेस इंजीनियरिंग एंड हर एम एस एंड पी एच डी फ्रॉम मै इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एम आई टी जो कि एम आई टी इन एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रो एस्ट्रोनोट एंड मिसिज मोहन सेज शी गॉट इंटरेस्टेड इन स्पेस फ्रॉम वॉचिंग द पॉपुलर टी वी शो स्टार ट्रैक फ्राम वन शी वॉज फाइव वन शी वॉज नाइन सॉरी देखिए जो बचपन की चीज़ें रहती हैं अगर हमें बचपन में अच्छा गाइड मिल जाए मेंटर मिल जाए या हमारे पेरेंट्स ही वेल एजुकेटेड हों या uh, काफ़ी अवेयर हों और वो हमें गाइड कर दें या इस तरह की हम चीज़ें देखते हैं बचपन में या ज़्यादातर आज क्या होता है कि जो टीवी सीरियल्स रहते हैं या इस तरह, है, uh, है, इस तरह की जो मूवीज़ रहती हैं जो बच्चे कई बार या वेब सीरीज़ देखते हैं इस तरह की जो चीज़ें हैं वो uh, एकदम बच्चों को आ, उनका जो करियर है उन्हें ख़राब करने वाली ये बात है और बच्चों का ज़्यादा जो ध्यान है इस स्टेज में क्योंकि यही स्टेज होती है जो लर्निंग वाली होती है स्टेज इस टाइम पे जो माइंड है वो एक एक फ्रेश होता है और काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए वो तैयार होता है लेकिन अगर अभी से हम उनके माइंड के अंदर कूड़ा भर देंगे ये जो टीवी सीरियल्स रहते हैं या ये आ, फ़ालतू के जो वेब सीरीज़ या इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर वही इस तरह की चीज़ें बच्चे देखेंगे बचपन में तो क्या वो क्या हमारे देश की तरक्की होगी और क्या हासिल करेंगे वो बड़े होके इसलिए हमें इन सारी चीज़ों से ख़ुद भी परहेज़ करना चाहिए और अपने बच्चों को भी अपने आने वाली जनरेशन को भी इन सारी चीज़ों से हट के रखना चाहिए दूर रखना चाहिए और उन्हें फ्यूचर में कुछ अच्छा करने के लिए बुक्स रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट होनी चाहिए और इस तरह की चीज़ें जो हैं बचपन बचपन में अगर बच्चे सीखें चाइल्डहुड के अंदर तो बहुत वो आ, मैटर करेगा और नासा के बारे में एजेंसी का ओवरव्यू यहाँ पे आप देख सकते हो ये विकीपीडिया से ली है हमने फॉर्मड जुलाई ट्वेंटी नाइन के अंदर बना था सिक्सटी टू ईयर्स पहले एंड इसके पहले जो थी नेशनल एडवाइजरी कमेटी थी फॉर एरोनॉटिक्स जो कि नाइनटीन फिफ्टी नाइन से लेकर नाइनटीन फिफ्टी एट तक थी उसके बाद एक स्पेस एजेंसी है फेडरल यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल गवर्नमेंट जोरिस्टिक्शन है हेड वे वाशिंगटन डी सी इसका क्वार्टर है मोटो है इसका फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल यानी कि हर एक के बेनिफिट के लिए बहुत ही अच्छा मोटो है इसका और इसके अलावा आप जो स्पेस uh, एक्स जो एक एजेंसी है उसके बारे में भी याद रख सकते हो जो कि एलॉन मस्क हैं जो कि बात करते हैं इन फ्यूचर जो कि हमारे मार्स uh, के ऊपर uh, किस तरह से लोगों को ले जाया जाएगा वहाँ पे इस तरह की वो फ्यूचरिस्टिक सोच रखते हैं वहाँ पे वो भी आप उसके बारे में भी आप अवेयर uh, uh, रख सकते हो अपने आप uh, अपने आप को देन हमने कल ये न्यूज़ डिस्कस की थी कि थ्री जो गर्ल्स थी फाउंड अनकॉन्शियस इन अनाउ एक यूनाऊ एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश के अंदर उनमें से दो दो की जो डेथ हो गई थी और एक जो uh, बच्ची थी उसमें से उनको कानपुर के हॉस्टल uh, हॉस्पिटल में वहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया और उसके बाद आज की जो न्यूज़ है दैट इज़ टू इंक्लूडिंग माइनर कल उनको हेल्ड uh, कर लिया गया वहाँ पर टू इंक्लूडिंग एक उनमें से एक माइनर है जहाँ पे जो बच्चियों की डेथ हुई थी उनकी वजह से और ये जो लड़का था इसका यहाँ पे नाम मेंशन है ये आप देख सकते हो और एक, एक उसके साथ एक माइनर भी था जिसने हेल्प की थी उसकी और किस तरह से इन्होंने बाद में कन्फेस किया पुलिस के सामने कि इन्होंने एक वाटर दिया मिक्स्ड विद इंसेक्टिसाइड इंसेक्टिसाइड था उसके अंदर टू वन ऑफ द गर्ल्स आफ्टर शी री हिज रिपीटेड रिक्वेस्ट टू गिव हिम हर फोन नंबर लॉकडाउन के टाइम पे आ, ये सिचुएशन थी जब वो कंडीशन हुई कि वो लड़का था उसके बारे लड़की के बारे में जाना उसने कि वो एडजेसेंट खेत था एक्चुअली उनका और वहाँ पे उस आ, लड़के ने बार बार उस आ, लड़की का पीछा किया वहाँ पे और जो मोबाइल नंबर है उसका मांगने की कोशिश की लेकिन लड़के लड़की ने जब वहाँ पे रिफ्यूज़ किया और किस तरह से फिर इसने ये बुरी हरकत की कि वहाँ पे वो इंसेक्टिसाइड में मिला जो वाटर था वो उस लड़की को वहाँ पे दिया और उसके साथ और जो दो लड़कियाँ थी वो भी वहाँ पे अनकॉन्शियस पाई गई और उनकी डेथ हो गई बाद में और ये जो न्यूज़ है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो और नेक्स्ट जो न्यूज़ है सेम फर्स्ट पेज के ऊपर थी दिशा सेंट टू थ्री डे जुडिशियल कस्टडी जुडिशियल कस्टडी अलग होती है पुलिस कस्टडी अलग होती है और फार्मर्स प्रोटेस्ट के साथ रिलेटेड ये न्यूज़ है और टूल किट जैसे जो कि शेयर की गई थी ट्विटर के ऊपर जिसमें अलग अलग तरह के मैसेजेस थे या प्रोसेस एक बताया था कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को एक लॉन्ग टाइम लंबे समय तक जारी रखने के लिए वहाँ पे स्टेप्स बताए गए थे और पीस फॉर जस्टिस फाउंडेशन जो कि इन्होंने एक्चुअली यहाँ पे दिशा जो थी इन्होंने ये आ, टूल किट जो है क्रिएट की थी वहाँ पे और पीस फॉर जस्टिस जो फाउंडेशन है इन्होंने किस तरह से बाद में इस जो मोमेंट है उसे ज्वाइन किया और सिक्स फॉर जस्टिस फाउंडेशन जो है इन दोनों का नाम आया था वहाँ पे जो कि प्रो खालिस्तानी एक फाउंडेशन है यहाँ पे लेकिन जो पीस फॉर जस्टिस फाउंडेशन है इसको अभी यू के अंडर बैन नहीं किया गया लेकिन जो सिक्स फॉर जस्टिस फाउंडेशन है इसे यू के अंडर बैन किया गया है जुडिशियल कस्टडी और पुलिस कस्टडी जो होती है ये दोनों अलग होती हैं और यहाँ पे पुलिस ने डिमांड की है इनको पुलिस जुडिशियल कस्टडी के लिए ताकि और जो है इन्वेस्टिगेशन अभी उसे कंटिन्यू रखा जाए देन एक डिफेमेशन डिफेमेशन एज क्राइम ये केस है एडिटोरियल uh, है बेसिकली जो हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन रहती है दैट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड क्विक बिकम्स अ हैंडी टूल फॉर टू साइलेंस क्रिटिक्स जो कि क्रिटिक्स रहते हैं जो क्रिटिसिज्म करते हैं किस तरह से ये जो डेफेमेशन है किस तरह से टूल बन जाता है उनके लिए सम जुडिशियल वर्डिक्स एक्वायर एम्ब्लोमेटिक सिग्निफिकेंस फॉर बियॉन्ड द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर केस जो अब डे बिफोर यस्टरडे हमने डिस्कस किया था जो प्रिया रमानी का एक जो जर्नलिस्ट थे उन उन्होंने जो यूनियन मिनिस्टर थे एम जे अकबर किस तरह से उनके खिलाफ आ, दशकों यानी कि दस अराउंड टेन फिफ्टीन ईयर्स बाद उन्होंने जो उनके साथ कंडीशन हुई थी या एक सेक्शुअल हरासमेंट का केस था उन्होंने उनके खिलाफ वहाँ पे ट्विटर के ऊपर एक सोशल मीडिया जो साइट है वहाँ पे बोला सोशल मीडिया साइट सोशल मीडिया के ऊपर आके उन्होंने बोला अपनी बात रखी वहाँ पे जो जर्नलिस्ट थे और सुप्रीम और इनके खिलाफ जो एमजी अकबर थे किस तरह से इन्होंने डी दी, डिफेमेशन का जो केस था वो फाइल किया था और इसके बाद जो हाई कोर्ट ने वहाँ पे और इन ये जो केस था इसे रिजेक्ट कर दिया और वहाँ पे जो जस्टिस थे उन्होंने जज थे जो उन्होंने बताया कि विमेन को राइट है कि अपनी बात रखने का जो उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है या वो अपनी बात रख सकती है इवन आफ्टर डिकेट्स वो अपनी बात जो है वहाँ पे रख सकती है उसे पूरा राइट है और यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को जो uh, होते हैं वहाँ पे कुछ लोग होते हैं किस तरह से डिफेमेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है कि जो क्रिटिक्स होते हैं या जो लोग अगर आपके खिलाफ हैं तो किस तरह से आप उनकी आवाज़ को दबाते हो ये इसमें बताया गया है द राइट ऑफ रेपुटेशन कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन यहाँ पे एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटियन जो मजिस्ट्रेट थे रविंद्र कुमार पांडे हैज प्लेस द केस इन द करेक्ट परस्पेक्टिव बाई नथिंग that the woman can't be punished for criminal defamation when she raises her voice against sexual harassment because the right of reputation cannot be protected at the cost of right of life and dignity of the woman. he has taken note of the unequal equations of power between the harasser and the victim in most situations. given that it may result in loss of dignity and self-confidence at the time, the court understood that the woman has the right to put her grievance at any platform of her choice, e. डे बिफोर यस्टरडे हमने बात डिस्कस की थी यहाँ पे आप इसे एज इट इज कोर्ट कर सकते हो अमन हैज अ राइट टू पुट हर ग्रीवियंस ऑफ है चॉइस एंड इवन आफ्टर डिकेट्स It may appear to be a sweeping statement that opens up the possibility of incidents from the distant past to be raked up to the determinant of anyone's reputation. However, the court places it in the context of need for women to have freedom, equality, equal opportunity and social protection if they were to excel in an atmosphere in which their work participation is undesirably low. In this backdrop इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट क्रिमिनल डिफेमेशन जो होती है स्टिल सर्वाइव इन द स्टेच्यूट बुक अभी तक वो है स्टेच्यूट बुक्स के लॉ बुक्स के अंदर थैंक्स टू अ टू थाउजेंड सिक्सटीन सुप्रीम कोर्ट वर्टिक अप होल्डिंग एक्ट अ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इज क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव अ क्रिमिनल जो प्रोसिक्यूशन है इज क्विकर एंड लेस एक्सपेंसिव मेकिंग इट अ हैंडी टूल टू साइलेंस वन क्रिटिक्स एंड डिट्रैक्टर्स ये जो फर्स्ट पेज जो फर्स्ट हमने लाइन uh, जो इसकी जो सब हेडिंग थी वो डिस्कस जो किया था हमने वो सुप्रीम कोर्ट की एग्जैक्ट जो वर्डिंग है द टाइम मे हैव कम टू टू सो दैट दोज हु सफर रेपुटेशन आर लेफ्ट है सिविल रेमेडी देखिए यहाँ पे जो राइटर का कहना है कि जो अभी टाइम है कि ये जो आ, यहाँ पे जो डिफेमेशन है उसे डिक्रिमिनलाइज कर दिया जाए डिफेमेशन होता है कि, कि किसी के खिलाफ किसी की रेपुटेशन के खिलाफ किसी की, खिलाफ, किसी की, खिलाफ, किसी की इमेज के खिलाफ यहाँ पे बोलना और किस तरह से इसे अभी क्रिमिनलाइज करने डी क्रिम, क्रिमिनलाइज करने की सॉरी यहाँ पे डी डी क्रिम, क्रिमिनलाइज करने की यहाँ पे बात की गई है ये जो आप आ, एडिटोरियल वो पढ़ सकते हो और इसके अलावा भी आ, काफी सारे एडि, एडिटोरियल्स हैं उसमें से आप देखिए न्यूज एनालिसिस आप जरूर सुनते हो लेकिन आप ज़रूर अपनी जो एक हैबिट बनाएं जो बच्चे इस को देखते हैं बहुत बढ़िया बात है लेकिन इसके साथ साथ देखिए आपको लगता होगा कि जैसे बहुत सारे आप न्यूज़ एनालिसिस और भी देखते होंगे लेकिन उसमें कहा जाता है कि आप न्यूज़ एनालिसिस को ही देखिए या ध्यान से देखिए लेकिन बहुत ऐसे कम एनालिसिस हैं डी एन होते हैं जो ये भी आपको या न्यूज़ एनालिसिस जो आपको टीचर्स होते हैं वो आपको बताएंगे कि आपको न्यूज़पेपर चाहे आप कोई भी एनालिसिस सुनते हो लेकिन जो आ, आपको साथ में न्यूज़पेपर पढ़ना या मैगजींस पढ़ना या अपनी राइटिंग्स को जो अपनी रीडिंग्स रीडिंग हैबिट्स हैं वो इम्प्रूव करना बहुत ही कंपलसरी है देखिए जब आप आपको एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा या प्रीलिम्स के अंदर आपको क्वेश्चन आएंगे और जो वहाँ पे वो कैब यूज़ की जाएगी या वोकेबलरी वहाँ पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाएंगे वो आपको तभी ही आ सकते हैं अगर आपने वो पढ़े हैं या लिखे हैं वो समझे हैं वर्ड्स उनको देखा है उनके मीनिंग्स को देखा है वहाँ पे तभी ही आप उन्हें वहाँ पे लिख सकते हो या उनको समझ के अपना आंसर जो है वहाँ पे दे सकते हो नेक्स्ट uh, जो न्यूज uh, है एक वन करोड़ वैक्सीन डोज गिवन इन थर्टी फोर डेज देखिए थर्टी फोर डेज हो चुके हैं जनवरी सिक्सटीन को ये स्टार्ट हुआ था ये प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ था वैक्सीनेशन का और नॉट ओनली इन इंडिया इंडिया ने और भी जो देश जो बाकी कंट्रीज हैं जैसे uh, यहाँ पे भूटान है या मालदीव्स है और बहुत सारे जो ऐसे नेबर्स हैं इसके आ, इनको जो वहाँ पे वैक्सीनेशन है दी गई है या वैक्सीनेशन जो वैक्सीन्स हैं वहाँ पे जो दो वैक्सीन्स जिनके बारे में डी जी ने अप्रूव किया था एक भारत बायोटेक और आई के द्वारा जो बनाई गई थी वैक्सीन और एक कोविशील्ड जो है वो जो आ, दोनों वैक्सीन्स थी उनको अप्रूवल मिला था और वो इंडिया में तो आ, दी गई वो वैक्सीन दूसरे देशों को भी इंडिया ने हेल्प की और काफ़ी सारे देशों ने अप्रीशिएट भी किया इंडिया की इस काम को इस हेल्प को और अभी तक जो है वन करोड़ जो वैक्सीन हैं वहाँ पे वो डिस्ट्रीब्यूट जो है कर दी गई हैं या वो जो वन करोड़ वैक्सीन डोजेज हैं वो दे दी गई हैं और मात्र थर्टी डेज़ के अंदर ये सब हुआ है और नेक्स्ट जो न्यूज़ है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ है जो कि हमने पहले डिस्कस किया यहाँ पे फ्रंट uh, पेज के ऊपर uh, जो न्यूज़ था यहाँ पे कि एक इंडियन अमेरिकन uh, जो एक साइंटिस्ट uh, थे जो कि नासा uh, का जो वहाँ पे प्रेजवरेंस रोवर जो है जो मार्स पे अभी लैंड किया और uh, उनके पीछे जो स्वाति मोहन थे साइंटिस्ट उनके बारे में डिस्कस किया कि बचपन में वो कैसे किस तरह के uh, यह सीरियल वो देखते थे जैसे इन्होंने बताया कि बचपन में वो स्टार uh, ट्रैक नाम का एक जो uh, स्टार ट्रैक नाम का एक टीवी शो था जिसे वो देखते थे और किस तरह से आज जो है वो बच्चे अलग अलग, अलग चीज़ें अचीव कर रहे हैं जो बच्चे अचीव करते हैं बचपन में या थोड़ा आगे जाके देखिए उनके पीछे जो सपोर्ट करने के लिए या उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है अगर हमको इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं मिला तो एटलीस्ट हम ट्राई कर सकते हैं कि आप अपनी आने वाली जनरेशन को या अपने छोटे भाई बहन को या दूसरों को मौका दें और ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे सीखते हैं या हम कुछ भी नॉलेज गेन करते हैं ज़रूर हम अपना टाइम निकाल के अपने एल्डर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और अपने छोटे भाई बहन को सिखाएं अच्छी चीज़ें उन्हें सिखाएं ना कि कोई नई वेब सीरीज़ के बारे में या कोई नया फालतू के जो शोज़ रहते हैं टी सीरियल्स रहते हैं वो छोड़ के उन्हें अच्छी चीज़ों की तरफ आप आ, गाइड कीजिए मुझे पूरा विश्वास है कि जो जो बच्चे ऑनेस्टली से इस एनालिसिस को देखते हैं वो ज़रूर जो अपने छोटे भाई बहन हैं जो अपने रिलेटिव्स हैं या जो अपने पीयर ग्रुप हैं उनमें ज़रूर इन चीज़ों को शेयर करेंगे और आप ये जो डेली एनालिसिस की वीडियो है ये भी उनके साथ शेयर कर सकते हो क्योंकि बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें बताई जाती हैं जो न्यूज़ के अलावा आप में एक अच्छी एक अच्छी क्वालिटीज़ भी आपको इनकलकेट इंकल्केट होती हैं आपके अंदर और यहाँ पे एक और न्यूज़ है जो हम डिस्कस करेंगे लिटिल शेफ़ सेट्स अ न्यू एशियन कुकिंग रिकॉर्ड और इंडिया जो रिकॉर्ड है यहाँ पे आप देख सकते हो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में इनका नाम दर्ज हुआ है और इन्होंने अराउंड ही विप्ड अप 172 सेवेंटी टू डिशीज़ इन जस्ट वन आवर एक आर के अंदर एक सौ बहत्तर डिशीज़ इन्होंने तैयार करके दी हैं और इनका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो हयान अब्दुल्ला है ड्रीम्स ऑफ सेटिंग अप ए पास्ता बार इन्होंने बार जो है आ, ड्रीम करते हैं कि मैं वो बनाऊंगा और एंड मेकिंग एवरी एवरीवन फॉल इन लव विद पास्ता और ये अभी नौ साल के हैं और यहाँ पे लिखा है कि अराउंड ही इज़ अन थर्ड क्लास स्टूडेंट थर्ड तीसरी क्लास के हैं अभी और देखिए किस तरह की जी ये जो एक्टिविटीज़ हैं किस तरह की एक्टिविट एक्टिविटी है अभी इनका जो एशिया के अंदर एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड या इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर इन्होंने अपना नाम दर्ज किया है यहाँ पे भी बताया गया है कि जो माई फैमिली लिव्स एट यहाँ पे इनके जो पेरेंट्स हैं उनके बारे में बताया गया है और ये जो एक YouTube चैनल भी रन करते हैं यहाँ पे हयान हयान डेलीकेसी ही हैज़ ऑल्सो बीन पार्ट ऑफ सेवरल कुकिंग शोज ऑन टेलीविजन माई फैमिली लिव्स एट रोके कोजिकोडा इन इज़ नॉन टू बी दब ऑफ फूड आइटम्स एंड फूड इज एज़ वेल एंड हैज़ वी चूज़ दिस प्लेस फॉर फीट और जो इनका बच्चा है उसके लिए इनके मम्मा ने अभी बताया कि किस तरह से इनको किस माहौल में इन्होंने रखा और ही इज़ ऑल्सो पैशनेट अबाउट डांसिंग एंड प्लेइंग विद वायलिन एंड एस्पायर्स टू बी अ पायलट पायलट बनना चाहते हैं वो डांसिंग में भी उनका पैशन है और वायलिन बजाने वा में भी उसका पैशन है और हसनास अब्दुल्ला एंड राशा आर ऑल सपोर्ट फॉर देयर सन्स एंड एवर जो भी उनका सन uh, जो है उसका उनका जो बेटा है वो अचीव करता है पेरेंट्स जो हैं उसके लिए uh, अभी तक कर रहे हैं और आगे भी करेंगे और देखिए किस तरह से जो किड्स हैं उन्हें हमें एक अच्छा गाइडेंस देना चाहिए बिकॉज एक बिब्लिकल प्रोवर्ब है ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो ट्रेन अप अ चाइल्ड इन द वे ही शुड गो एंड वेन ही इज़ ओल्ड ही विल नॉट डिपार्ट फ्रॉम इट बचपन में ही बच्चों को एक अच्छी तालीम एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो बड़े होके भी उस रास्ते को ना छोड़ें सन शाइन्स एट नाइट इन रिमोट नागालैंड विलेज देखिए यहाँ पे एक जो आप ये स्टोरी जो पढ़ सकते हो एक यहाँ पे एक टीचर थे जो कि एक प्राइमरी स्कूल के अंदर पढ़ाते थे और एक रिमोट विलेज था म्यानमार की जो बाउंड्री है वहाँ पे नियर बाय विलेज था यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पाती थी और इससे पहले जो वहाँ पे रात को बैम्बू जो टॉर्च होती है वो जगह के लोग वहाँ पे uh, 44 इयर्स ईयर्स तक ऑलमोस्ट उन्होंने ये काम किया आफ्टर इंडिपेंडेंस और वहाँ पे जब रिमोट विलेज होने की वजह से लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम होने की वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुँच पाई और इन वहाँ पे एक टीचर थे जिन्होंने वहाँ पे सोशल मीडिया के ऊपर एक पोस्ट डाली कि इस विलेज की जो प्लाइट है वहाँ पे क्या कंडीशन से गुजर रहा है वहाँ पे और अभी क्या हुआ है वहाँ पे एक ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन जो है एक वहाँ पे एक एक संस्था है जिन्होंने जी एचीज सोशल इम्पैक्ट इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन वर्किंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो काम कर रहे हैं फॉर रिमोट कम्यूनिटीज सिंस 2013 से वो काम कर रहे हैं और इनको जब पता चला सोशल मीडिया के थ्रू और इन्होंने तुरंत ही वहाँ पे सोलर पैनल्स जो होते हैं वो लगवाए और उस अराउंड वहाँ पे उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का वहाँ पे कहना था डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर का कि अराउंड उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी टेन विलेजेस थे यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी और एक विलेज ये जो है यहाँ पे अभी शिनू जो विलेज है वहाँ पर काम होना स्टार्ट हो गया है वहाँ पे और उसके बाद क्या क्या चीज़ें वहाँ पे बताई गई हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हो बहुत ही एक अच्छा आर्टिकल है और अब आप अपने आंसर्स में भी इससे मेंशन कर सकते हो और बाकी जो नाइन विलेजेस हैं जो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं अभी वहाँ पे भी अभी जो काम करने की वहाँ पे इनके द्वारा बात की गई है और इनको बोला गया है यहाँ पे ये यह जो आ, इनके आ, चीफ हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के और कि आपको नेक्स्ट मिशन जो इसका इनका है कि अ सोलर इंजीनियरिंग वर्कशॉप टू ट्रेन लोकल्स इन मेंटेनिंग द टेक्नोलॉजी वी हैव डेवलप्ड और बोला गया है वहाँ पे कि अपना विलेज के अंदर वो एक अकाउंट खुलवा लें वहाँ पे ताकि वो uh, इस इसको मेंटेन कर सकें और एनअली एक पीरियोडिकली वहाँ पे वो सौ सौ रुपये कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि वो अपने uh, वहाँ पे मदद कर सकें या वहाँ पे एक दूसरे की वहाँ पे वो मदद कर सकें या जो भी मेंटेनेंस का वहाँ पे खर्चा आएगा वो वहाँ पे देख सकते हैं और जो ग्लोबल Uh, यहाँ पे हिमालयन एक्सपीडिशन जो है जो एक इनिशिएटिव है वहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर और उन्होंने वहाँ पे भी ट्वेंटी थ्री लैख सोलर प्रोजेक्ट अंडर रुपीज़ ट्वेंटी थ्री लैख सोलर प्रोजेक्ट जो अभी वहाँ पे लगाया है और कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंडर वहाँ पे किया है ये इकोनमी के अंदर ये आप पढ़ते हो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और यू एस ए जो है उस वो रेडी है अभी टॉक्स के लिए जो ईरान न्यूक्लियर डील है उसके बारे में और स्टेट ऑफ द डे में आज हम असम के बारे में यहाँ पे देखेंगे और इसकी जो कैपिटल दिसपुर अलार्ज सिटी गुवाहाटी थर्टी थ्री डिस्ट्रिक्स हैं और बाकी सारी इन्फॉमेसन आप यहाँ पे देख सकते हो कल हमने अरुणाचल प्रदेश डिस्कस किया था और आज ट्वेंटी ऑफ़ फेब है और पेपर के अंदर आप देख सकते हो कि वहाँ पे ट्वेंटियथ ऑफ फेब वाले दिन और आज इनका जो स्टेट हुड डे है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश के अंदर और नेशनल पार्क जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं ये भी आप देख सकते हो वहाँ पर और पी के अंदर इंक्लूड मिलेंगे ज़रूर आप जो अ, 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 अगर आप क्वेरीज़ वगैरह हैं आपकी व्हाट्सएप पे जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ पे और टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप वहाँ पे पूछ सकते हो फेसबुक को भी आप उस पेज को वानी अकेडमी को लाइक कर सकते हो कोर्सेज आई थिंक आपको मिल गए होंगे जो बच्चे टेलीग्राम पर हैं उन्हें सुबह पाँच बजे और सात बजे वो प्रीमियर जो है मिल गया होगा वहाँ पे वन अकेडमी पे जाके आप देख सकते हो यहाँ पे जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें वन अकेडमी को इस इनिशिएटिव के लिए और आप बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस करें ताकि आपको जो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन हैव अ नाइस डे पाँच बजे शाम को और सात बजे आप रेडी रहिए जो दूसरे जो कोर्सेज़ हैं और शेड्यूल जो है आप इस यहाँ पर वीडियो जो पावर आई बटन है वहाँ पे क्लिक करके वहाँ पे आप शेड्यूल को जो है डेली शेड्यूल को वहाँ पे आप देख सकते हो और भी बहुत सारी चीजें आपके लिए देखते रहिए और पढ़ते रहिए दूसरों को दूसरों की भी हेल्प करते रहिए थैंक यू अ नाइस डे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन